रेत से कांच कैसे बनता है? दोस्तों, आपने कांच का बहुत सारा सामान देखा होगा। आपके घर में भी बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो कि कांच की बनी हुई होंगी। कांच इतना नाजुक होता है कि जरा सी ठोस लगने से ही या तो टूट के बिखर जाता है या फिर उसमें दरार आ जाते हैं। लेकिन आखिर ये कांच बनता कैसे है? ऐसी क्या चीज होती है जिससे कि कांच को बनाया जाता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि रेत से कांच बनता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, रेत से कांच को बनाया जाता है। लेकिन ये कोई मामूली रेत नहीं होती है। तो आखिर ये कौन सी रेत होती है? आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वो कौन सी रेत होती है जिससे कि कांच को बनाया जाता है, और किस प्रकार से रेत से कांच को बनाया जा सकता है, इसका पूरा प्रोसेस हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इसमें हम आपको दिखाएंगे छोटे से छोटे स्टेप कांच बनाने की, वो भी रेत से। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें। साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारी इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों, कांच सिर्फ रेत से ही बनाया जा सकता है। लेकिन ये रेत एक ऐसी रेत होती है जिसमें सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है। ऐसी रेत जिसमें सिलिका की मात्रा 99% होती है, उसी से कांच को बनाया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें और भी कुछ ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जिनकी मदद से कांच बन के तैयार होता है। इन सभी सामग्री को एक भट्टी में 1500 डिग्री सेल्सियस पे पिघलाया जाता है। फिर इस आग में पिघले हुए लिक्विड से कोई भी आकृति बनाई जा सकती है। दोस्तों, कांच का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये तो हम इसी बात से समझ सकते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले हम आईना देखते हैं। हमारे घर में ऐसा बहुत सा सामान है जो कांच से बना हुआ है। हमारी खिड़की, दरवाजों में लगे कांच, हमारे घर में रखी डाइनिंग टेबल, हमारे कमरे में लगा आईना, यहाँ तक कि हमारे मोबाइल की स्क्रीन भी कांच की बनी होती है। लेकिन उसके बाद भी हमें आज तक नहीं पता था कि कांच रेत से बनाया जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वो प्रोसेस जिसके द्वारा रेत से कांच को बनाया जाता है। ऐसे दोस्तों, कांच बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दो तरह का कांच उपयोग में लाया जाता है। पहला कांच होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास, जो कि हम घरों में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों में उपयोग में लाते हैं, जैसे कि कांच की बोतल, बर्तन, ग्लास, खिड़की दरवाजों में लगे ग्लास आदि। यहाँ तक कि इसी सिंपल ग्लास से शीशा भी बनाया जाता है, जिसे कि हम रोज इस्तेमाल करते हैं। दूसरे प्रकार का ग्लास होता है स्पेशल ग्लास। इसका इस्तेमाल कुछ खास तरह के कांच को बनाने के लिए किया जाता है। बुलेट प्रूफ ग्लास भी स्पेशल ग्लास का इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है। वैसे तो कांच बहुत तरह के होते हैं, लेकिन 90% कांच सिंपल ग्लास का इस्तेमाल करके ही बनाए जाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिंपल ग्लास को कैसे बनाया जाता है। इसका पूरा प्रोसेस आज के वीडियो में बताया जाएगा। सिंपल ग्लास को बनाने के लिए सबसे पहले 75% रेत, 15% सोडियम ऑक्साइड और 10% चूने का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों तत्वों को आपस में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसमें इस मिश्रण को रिसाइकल करने के लिए कांच के कुछ टुकड़े भी मिलाए जाते हैं। फिर इस मिश्रण को भट्टी में डाल दिया जाता है, जिसकी तीव्रता 800 से 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच होते हैं। इस मशीन को इस भट्टी में तीव्रता से पिघलाया जाता है। इस मिश्रण के पिघल जाने के बाद इसे एक प्लेन जगह पर डाल दिया जाता है, जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसे पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद प्लेन किया जाता है, जो कि एक प्लेन सीधे कांच के रूप में तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप कांच को किसी दूसरे आकार में ढालना चाहते हैं, तब अलग अलग डिजाइन के सांचे होते हैं जिसमें इस गर्म मिश्रण को डाला जाता है। फिर ठंडा होने के बाद ये मिश्रण उसी आकार का बन जाता है। इस प्रकार से ग्लास अलग अलग आकार का बन जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारे सामान्य जीवन में भी कांच की अलग अलग डिजाइन की चीजें होती हैं, कुछ गोल, कुछ लंबी, कुछ पतली, तो कुछ जीवों के आकार के। इन सबको इसी प्रकार के सांचे में डालकर डिजाइन दिया जाता है। हम हर रोज ही कांच की पता नहीं कितनी चीजें देखते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा होगा कि ये सब रेत से बनता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कांच के बने शीशे तीन तरह के होते हैं। पहला पारदर्शी शीशा, जिसके आर पार देखा जा सकता है। दूसरा अपारदर्शी शीशा, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। और तीसरा अल्प पारदर्शी शीशा, जिसके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देता है। शीशा बनाने के लिए कांच को लटाकर रोबोटिक्स सिस्टम द्वारा कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद पानी और ऑक्साइड से इसकी सफाई की जाती है। साथ ही गर्म पानी के इस्तेमाल से भी इसकी सफाई की जाती है। इसके बाद कांच पर कोटिंग की जाती है और लिक्विफाइड टिन चढ़ाया जाता है, जिससे कि कांच का पिछला हिस्सा तैयार हो जाता है। इसकी वजह से कांच पर सिल्वर आसानी से चिपक जाता है। सिल्वर को लिक्विड फॉर्म में कांच पर चढ़ाया जाता है, जिसमें कुछ और तत्व भी शामिल किए जाते हैं और कुछ केमिकल भी उपयोग में लाए जाते हैं, जिससे कि सिंपल कांच आईने में तब्दील हो जाता है। इसके बाद इस पर कॉपर की डबल कोटिंग की जाती है, जिससे कि कांच काफी मजबूत हो जाता है और लंबे समय तक चलता है। इसके बाद इसे ड्रायर में रख दिया जाता है सूखने के लिए, जहां तापमान होता है 31 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद इसके पीछे की तरफ एक पेंट किया जाता है, साथ ही उसे मशीनों की सहायता से सुखाया जाता है।
कुछ कंपनियां इसके लिए कांच के पिछले हिस्से पर कोटिंग भी करती हैं। इसके बाद इस तैयार हुए कांच को अलग अलग आकारों में डिमांड के हिसाब से कट करके रख दिया जाता है। साथ ही इसमें अलग अलग तरह के डिजाइन भी शामिल किए जाते हैं। एक तैयार हुए कांच को वैसे तो कई तरह के डिजाइन या कटिंग दी जाती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है उस टेक्निक का नाम है स्वचालित झटका मोल्डिंग। दोस्तों आपको बता दें कि इस तकनीक का इस्तेमाल जार, बॉटल, ग्लास आदि बनाने में किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले कांच की पिघली हुई सामग्री को एक खोखले सांचे में भर दिया जाता है। ये सांचा किसी भी आकार का हो सकता है। इस सांचे की आंतरिक सतह पर वही आकार होता है जो कि हम कांच को देना चाहते हैं। इसमें हम पिघले हुए कांच को सांचे में डालते हैं, तब मोल्डिंग होना शुरू हो जाते हैं। फिर मोल्डिंग के बंद होने का इंतजार किया जाता है। जब एक बार मोल्डिंग पूरी होकर बंद हो जाती है, तब इस सामग्री को सांचे की दीवारों के अनुकूल बनाने के लिए हवा का प्रवाह छोड़ा जाता है। जब पिघला हुआ कांच ठंडा हो जाता है, तब सांचे को खोलकर कांच के सामान को बाहर निकाल लिया जाता है, और जैसा कि सांचे का आकार होता है वैसे ही आकार में कांच बनकर बाहर आ जाता है। दोस्तों कांच का आविष्कार मिस्र में लगभग 2500 साल ईसा पूर्व किया गया था। पहले इसका इस्तेमाल साज सज्जा की चीजों में किया जाता था, लेकिन उसके बाद कांच के बर्तन भी बनाए जाने लगे। उसके बाद पहली बार 1835 में आधुनिक शीशे भी बनाए गए, जिनका इस्तेमाल हम कांच के रूप में करते हैं। इसका आविष्कार एक जर्मन वैज्ञानिक ने किया था। जर्मनी में ही सिल्वर लेयर वाले कांच का इस्तेमाल पहली बार किया गया था, जिसे कि आज पूरी दुनिया उपयोग में लाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से रेत का इस्तेमाल करके कांच बनाया जाता है। ये एक अनोखी सी बात लगती है, क्योंकि रेत को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये कांच भी बना सकते हैं। लेकिन हमने आज के वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरह से रेत के साथ कुछ और केमिकल मिलाकर कांच को बनाया जाता है। कांच को बनाने के साथ ही इसे किस तरह से अलग अलग आकार में ढाला जा सकता है, और अलग अलग तरह के बर्तन, बॉटल और किसी भी डिजाइन के कांच के सामान बनाए जा सकते हैं, आपने ये सब देखा। दोस्तों कुछ कांच बहुत नाजुक होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सिंपल रेत और उसके साथ मिलाए गए केमिकल के बने होते हैं, जिन पर किसी भी तरह की दूसरी कोटिंग नहीं की जाती है। लेकिन कुछ कांच बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि उनमें रेत के अलावा भी कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं, और बनने के बाद उन पर कुछ ऐसी कोटिंग की जाती है जिससे उन्हें मजबूती मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।